Power, authority and responsibility of municipalities are listed in which one of the following schedules of the Constitution of India? हाँ जी, खुशी आपका कितना होया? किधर च अनलिस्टेड नहीं है? They are enlisted in the 12th schedule of the Constitution. 11th schedule दे विच पंचायती पंचायत्स दिया पावर अथॉरिटी दे रिस्पांसिबिलिटीज ने. Consider the following statement about municipal corporation. They are established in states by the act of the concerned state legislature. ठीक है. They are established in the union territory by the order of chief administrator. This is wrong. Parliament आएगा. या उत्थों ना जो legislature होएगा वो मत के कर सकते हैं जे यूटी दे विच मदे legislature है. They work under direct control and supervision of the state government. ये भी correct है. The deliberative functions are separated from executive functions. तो ये भी ठीक है. एग्जीक्यूटिव जेड़ा होंदा है ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दा वो हमेशा आईएएस होंदा. ये पोस्ट आईएएस नू दे दित्ती जांदी है. ते बाकी जो सारे एमसीएमसी काउंसलर होंदे आ वो सारे बनके एक लेजिस्लेटिव बॉडी बनाउंदे आ. दोवें अलग ने. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव भी अलग है ते एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव भी इहदे विच अलग है. नेक्स्ट आर्टिकल आ गया. Consider the following statements. Part 9A that has come into force in 1993 gives a constitutional foundation for local self-government units in urban areas. ठीक है. एक ना schedule नो part नाल ना confuse करना. Schedule साठे को ले होर चीज है. पार्ट साढ़े को चीज है. पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 22 पार्ट्स के डिवाइडेड है. तो कॉन्स्टिट्यूशन के 12 शेड्यूल्स ने. इफ द म्युनिसिपैलिटी हैज बीन सुपरसीडेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म द इलेक्शन मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 6 मंथ्स. से होता ही है. तो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट regarding co-warranto. It is issued by the court to inquire into legality of the claim of a person to public office. It prevents illegal usurpation of encroachment ya matlab le lo of the public office by a person. It prevents illegal occupation keh lo ya matke usurpation of public office by a person. ये थोड़ा सा क्वेश्चन है भला. It cannot be issued in case of ministerial office or a private office. तो इस केस दे विच वी हैव गॉट दिस ऑप्शन. प्रिवेंट्स इस करके नहीं आपा कहते. प्रिवेंटिव का मतलब यह है कि यह बाद दे विच जो कोई बंदा ऑफिस ऑक्यूपाई कर गया एक्ट होने तो बाद वाला एक्शन है. प्रिवेंटिव होंदा जिहड़ा मतलब के इवेंट होने मतलब के रोके पहले ही रोक दे. मैंडामस कैन बी इश्यूड टू द ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल. हाँ, मैंडामस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल इशू होंगी है. प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं हो सकती. फॉरनर भी नहीं हो सकती. ऑप्शन साढ़े को आ जाती है. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपोजिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एज ओरिजिनली एनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट विद द चीफ जस्टिस एंड 7 अदर जजेस लीविंग टू द पार्लियामेंट टू इंक्रीज द नंबर. ठीक है. Since independence, the composition of judges in the Supreme Court has been increased 5 times. Jis saal de dena ta better hai.
एज पर 2008 अमेंडमेंट द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इंक्रीज टू 31 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्चुअली ये तो बाद भी इंक्रीज हो चुकी है, मैं लग रहा है इस वे 36 ने जजेस। द परे क्वेश्चन प्राणायाम से उस हिसाब के चल पे हैं। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर ए टेम्परेरी पीरियड। टेम्परेरी पीरियड के लिए वो कर सकता है, जिहड़ा साडे कोले हाई कोर्ट के जज नूं सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकता है। तो इहदे लई कंसल्टेशन साडे इक तां जिहड़ी हाई कोर्ट का जज बनाउणा है उहदे नाल कंसल्टेशन तां होएगी होएगी। कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ द कोरिस्पोंडिंग हाई कोर्ट एंड प्रेजिडेंट, ना ये चारा च कोई नहीं है। 165 की साडे कोले ऑप्शन है वो जिहड़ी ए है। 166 द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर इट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट दी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दे अंदर ये फॉल करता है। एडवाइजरी भी नहीं, ये भी नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं। नेक्स्ट साडे कोले क्वेश्चन आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम्स अंडर कॉमन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। म्यूचुअल डिस्प्यूट अमंग द स्टेट्स, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट से दो ही नहीं है, दो ही इंक्लूडेड नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ फंडामेंटल, प्रोटेक्शन ऑफ वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं है। 167 का साडे कोले सी आंसर है। नेक्स्ट आर्टिकल है, एडहॉक जजेस आर अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दी है, और थले इन्होंने रीजन्स लिखे हुए हैं एडहॉक जजेस के। तो फर्स्ट रीजन साडे कोले की है, देर इज अ कोरम ऑफ जजेस अवेलेबल टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द कोर्ट। नो कोरम है, ठीक है, सम जजेस गो ऑन लीव, देर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेज पेंडिंग इन द कोर्ट, कदम नहीं होंगे। नो वन इज अवेलेबल फॉर परमानेंट अपॉइंटमेंट। आही लॉजिक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन साडे कोल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बीनेशन इज करेक्टली मैच्ड। रिट ऑफ प्रोहिबिशन अवेलेबल अगेंस्ट ऑटोनोमस बॉडीज ओनली, कोर्ट दे अगेंस्ट अवेलेबल होंगी है। सर्टरारी अगेंस्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट्स ओनली, ट्रिब्यूनल भी हो सकता। रिट ऑफ कोवरंटो अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट ओनली। रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस अवेलेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल एज वेल। कल्ला आ ठीक है, आ क्लीयरली गलत है, आ भी क्लीयरली गलत है। इहदे च ट्राइब्यूनल्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट साडे कोल है, विच ऑफ दीज आर क्वालिफिकेशंस फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट। जे हाई कोर्ट का जज लगना होए तो किड़िया किड़िया उदिया इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट ने, सिटीजन का चाहिए ही चाहिए। ते अगला साडे कोले है, मस्ट हैव हेल्ड जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी एटलीस्ट फॉर 5 ईयर। कंडीशन गलत है, इस तरह से 7 ईयर है। मस्ट हैव बीन एन एडवोकेट जनरल ऑफ ए हाई कोर्ट और 2 or more सच हाई कोर्ट इन सक्सेशन। एडवोकेट ठीक है फॉर 10 ईयर्स। तो ये जी आ कंडीशन है, इस 5 नहीं होंगी, कुछ और होंगी है। तो 1 and 3 दे आर करेक्ट। ऑप्शन इज सी, वाई इज पोलिटिकल पावर शेयरिंग थ्रू डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी।
It helps to reduce the possibility of conflict between various social groups. चलो लॉजिकली तो ठीक लग रहा। इट डिक्रीजेस पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्ररी डिसीजन, ये भी ठीक है। इट प्रॉम्प्ट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नेंस, ये सारी ठीक है। द मोड ऑफ रिमूवल ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया इज सेम एज दैट ऑफ रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इधर से कोई डाउट निकल दिया, दुरुस्त है तो। आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस परमानेंट जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी इन इंडिया। देखो पहला तो दुरुस्त है, सुप्रीम कोर्ट स्प्लीट कर सकता है, आ गलत लगता है मैं। सेकेंड पार्ट, नेक्स्ट आर्टिकल है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंड्स आर सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ ए स्टेट आर चार्ज विथ। कंसोलीडेटेड फंड ऑफ इंडिया नु तो सुप्रीम कोर्ट दे चार्ज होंगी है, यह ठीक है, कंटेंजेंसी नहीं होंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म हैज बीन करेक्टली लिस्टेड, इट डिवाइड्स पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल दुरुस्त है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का एदे नाल कोई खास संबंध है नहीं गा। इंडियन फेडरलिज्म, हां आ गल जरूर है, इंडियन करके मैं कह दिंदा, यह बनता दूजा भी। इट प्रोवाइड्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। छोटिया छोटिया गल्लां का ख्याल रखना। वैसे भी जो फाइल मूवमेंट होंगी है ना, जो जर्नलिस्ट ऑफिसर ने, क्योंकि सर हाँ हाँ सर एक बार मैं इक्वल रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा सीट से क्लियर कर दो माड़ा जा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यह है जिम्मे पंजाब दीटा मैंने लगता सत्त है राज्यसभा च, हरियाणा दया छे है, यूपी दया काफी ज्यादा सीटा ने, यूपी सारी सीटा मतलब पॉपुलेशन बेस्ड ने। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मतलब ये कहना चाह रहे थे यूपी दे पंजाब दी जिवें इक्को ही सीटा होने दस 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 एवं नहीं है साहब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, हाँ जी, इफ राज्यसभा डिक्लेयर्स बाय टू थर्ड मेजोरिटी रेजोल्यूशन दैट दिस इट इज एक्सपीडियंट टू डू सो इन द नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज, ए भी कोई वो नहीं है। इफ टू आर मोर स्टेट्स मेक ए रिक्वेस्ट, ए भी एक्मेंट, ए भी ठीक है, सारी ठीक है। नोट करो, वैसे इन्होंने आंसर सारे नोट कर लो। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, फॉरेस्ट कंकरेंट है, पहला ही स्टेट लिस्ट से इंदिरा गांधी ने किए थे। स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक एक्सचेंजेस इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब तो यूनियन लिस्ट हो गए, ये गलत लगता है मैं। पोस्ट ऑफिस यूनियन लिस्ट, पब्लिक हेल्थ स्टेट लिस्ट बी है अजकल, नेक्स्ट आर्टिकल है, देर इज एन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देर इज एन एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच लॉज पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटर नेशनल ट्रीटीज अलाउज, हाँ ठीक है, तो अलाउ करने से तो कोई इश्यू ही नहीं है, दुरुस्त है जी।
द वर्ड सोशलिस्ट सैकुलर वर एडेड टू प्रीएम्बल बाय 42nd है ए सिक्स है ए गलत है तो कला ही ठीक है। नेक्स्ट साढ़े को क्वेश्चन है 176 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट स्टैंप ड्यूटीज ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज आर लेवीड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड बाय द एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट। अप्रोप्रिएटेड वाला पार्ट है जरा चलो इनकम टैक्स एंड एक्साइज आर द टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। हाँ जी इस वेले ठीक है किसी वेले इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट रखती सी इनकम टैक्स से कारपोरेट टैक्स बाद जे अमेंडमेंट करके इन चेंज किया गया बोथ ऑफ देम आर करैक्ट। Which one of the following taxes is levied and collected by the union but distributed between union and states? Tax on income other than agriculture income. वैसे ये सारा काफी पोजिशन आए रिसेंटली चेंज हो चुके हैं पर जो क्वेश्चन बने वे हिसाब से इन्होंने आंसर टिक कर रहे हैं। फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ए तो आपको पता ही है बहुत सौखा क्वेश्चन है टिक करो जी केड़ा नेशनल डिवेलपमेंट कौंसल प्लानिंग कमीशन द्वारा दिखती गई प्लान नू पास कर दिया इंटरस्टेट कौंसल कोऑर्डिनेशन ते कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन द्वारा हुंदी है बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स प्लानिंग कमीशन प्लान बनाउंदा है डिवेलपमेंटल फंड वंडदा है फाइनेंस कमीशन जिहड़ा है इहदी सही चॉइस है। द ड्यूटीज एनविसेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंटरस्टेट कौंसल आर इंक्वायर इंटू एंड एडवाइज ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स investigate matters of common interest for two or more states make recommendation on coordination of policy and action relating to any subject ke tin hi theek hai chautha kadan da mainu enforce provisions relating to freedom of trade and commerce na chautha nahi hai na to ye option hai jehdi sade kol hai clear cut b ban jandi hai। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पिकअप कर दो द सिक्स मैंबर्स ऑफ इंटरस्टेट द मैंबर्स ऑफ इंटरस्टेट कौंसल कौन होंगे है तो सिक्स कैबिनेट मिनिस्टर सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स या जी यूटी के होंगे जिथे असैम्बलीज है उन्होंने सीएमज आ गए सैक्रेटरीज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्रीज तो हैल्पिंग हैंड तो हो सकते हैं गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट का तो कोई मतलब ही है नहीं एक ते दो। The main objective of zonal council is or are to ensure greater cooperation among states in the field of planning and other matters of national importance. Laws passed by various states do not conflict, bilkul galat. Better utilization of limited resources of the state. Ye bhi koi adi tuk ji hai nahi adi. To saade ko le A hi aayega. Next saade ko le consider the following explanation regarding the use of Article 32 right to move the Supreme Court for enforcement of fundamental rights cannot be suspended except otherwise provided by the Constitution. So, it is okay. When a proclamation of emergency under this is declared, the President is empowered under Article 360 to suspend all rights. It is absolutely wrong. Absolutely wrong. Let's do it. Let's do it. तो इस करके ओनली वन इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन रिटर्न द मनी बिल टू लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन गलत है
ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਮੇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਈਵਨ ਵੈਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਸੈਸ਼ਨ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੜਾ ਬੜੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਕੱਢੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰਲੀ ਗਿਵਨ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਕੈਨ ਬੀ ਇੰਪੋਜ਼ ਅੰਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ 365 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ 356 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੋ 356 ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ 365 ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਇੰਪਾਵਰਡ ਹੈ 356 ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 365 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸੋਰੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੋ 364 ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 365 ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ 365 ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਟਿਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ 365 ਦੇ ਅੰਡਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ 187 ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫਾਲੋਇੰਗ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਵੁੱਡ ਨੀਡ ਸਟੇਟ ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 187 ਦਾ ਡੀ ਆ ਗਿਆ What do you understand by the dual role of governor, constitutional and real executive? No. Head of state and head of government in certain circumstances belonging to center as well as state executive. Constitutional ruler. Ek galat hai. Constitution ke ਸੈਂਟਰਲ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੂਲਰ ਐਂਡ ਏਜੰਟ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਆਹ ਬੰਦਾ 189 ਵਿਚ ਵਨ ਸੋਰੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ ਦ ਲੀਡਰ ਆਫ ਹਾਊਸ ਇਫ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦੈਟ ਹਾਊਸ Though anti-defection law, 52nd amendment of constitution for the first time gave constitutional recognition to political parties and legislative parties. No. Quorum fixed to constitute a sitting of the house is 1/15th of total membership. Hey, mainu durust lag raha. Quorum hai jadi, waise 1/10th hundi hai normally, 1/15th. ਲੀਡਰ ਆਫ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਇਨਕਰੈਕਟ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਆਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਇਹ 1/10th ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲੀ 1/10th ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਗਿਵ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਟੂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਚਲੋ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ECI ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਹ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਾਇੰਡ ਚ ਫਸੀ ਉਹਨੂੰ ECI ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ। ਤੋ 190th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਟੂ ਬੇਸਿਕ ਫੀਚਰਸ ਵਰ ਐਡਿਡ ਬਾਏ ਮਨਿਰਵਾ ਮਿਲਸ ਕੇਸ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਨਿਰਵਾ ਮਿਲਸ ਕੇਸ। ਤੋ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਨੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਐਂਬਲ ਚ ਹੈ। ਲਿਮਿਟਿਡ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੂ ਅਮੈਂਡ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਬੇਸਿਕ ਕਰੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੈਕੂਲਰ ਕਰੈਕਟਰ, ਨੋ। ਫਾਈਨ ਬੈਲੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ।